Delhi installed authority put three former chief ministers under house arrest, barred from protest against Delimitation Commission. Security trucks with a number of policemen have been deployed outside prominent political leaders' houses, including Farooq Abdullah, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, since Saturday to bar the entry and exit of people. Responding to detentions, Farooq Abdullah called it a lawless state where basic rights of the people are under attack. Jab Delimitation Commission draft ke khilaaf apni protest darj karna chah rahe the, PAGD ke membran, Dr. Farooq Abdullah sahab the, Umar Abdullah sahab the, aur baaki leaders the, फिर से उनको सुबह ही बंद कर दिया। हर एक चीज का अब ये सलूशन बन गया है कि आप पुलिस का इस्तेमाल करें और लोगों को घरों में बंद कर दीजिए ताकि उनकी कोई ओपिनियन ही ना रहे। ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल मींस से करने वाले थे क्योंकि ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनको इजाजत है ये करने की। सरकारों का वर्ड जो है वो कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट है, हमने पहले दिन से कहा हम इसको नहीं मानते हैं, ना हम 5 अगस्त के डिसीजंस को मानते हैं, और उसी का ऑफशूट जो है वो डीलिमिटेशन है। हम नहीं मानते, ये बहुत ओपनली कहा है। मुंह बंद करने से मसले थोड़ी हल हो जाएंगे। डीलिमिटेशन भी आपने की तो क्या की, जहां ज्यादा आबादी है वहां कम सीट्स दिए, जहां कम आबादी है वहां ज्यादा सीट्स दिए। आप मजहबी लाइंस पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग फिरका परस्त नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग कॉम्यूनल नहीं है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें तोड़ने की मजहबी लाइंस पे, ताकि ये एक दूसरे से झगड़े। आप अपना नारा देंगे तो हम भी अल्लाहु अकबर बोलेंगे, उसमें क्या है, पीसफुल मींस से बोलेंगे, लिंचिंग नहीं करेंगे, मार नहीं डालेंगे किसी को। लेकिन आप अपने सिटीजंस को उनके राइट्स एक्सरसाइज करने तो दीजिए। आप कब तक मुंह बंद कर देंगे लोगों का? अब एक ही सलूशन बचा है आपके पास, जो भी कोई बात करेगा उसको जेल में डाल दीजिए। फिर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनका क्या मतलब है? हक का इजहार करने का इस मुल्क में इजाज़त रही है। अगर आप अंग्रेज़ों के दौर में भी देखें तो तब भी गांधी जी जो थे पुरमन तौर पे एहतजाज करने का जो सिलसिला, उनको भी इजाज़त दी गई थी उस शख्सी राज में। आज वो आवाज़ भी इन्होंने दबा दी। मतलब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वाजिया कहा था कि हम पुरमन तौर पर एक सिटन करेंगे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। नाराज़गी का इजहार करना एक जमहूरी हक है, उसमें तो कोई इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बर्दाश्त का मादा नहीं रहा इस सरकार में, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी भी नाराज़गी का इजहार करने का भी इनको जो है वो बर्दाश्त करने का कुव्वत नहीं है। और उसका मुजाहरा इन्होंने आज किया, सारे PAGD के जो लीडरान हैं उनको बंद किया गया। हमारे साथी जो यकजहती करना चाहते थे अपने लीडर के से, हमारे जो सदर साहब हैं फारूक साहब, वो PAGD को हेड करते हैं, हमारे साथी उनसे यकजहती करना चाहते थे, इनको भी कहीं मिलने नहीं दिया गया। कोई खुदा न खासा कोई तकलीफकारी का मामला नहीं था, एक जमहूरी हक था जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे।